बर्गर खाना तो सबको पसंद होता है। आज मैं लेकर आई हूँ बर्गर की एक बहुत ही आसान सी रेसिपी। सारी वेजेस को मिक्स करके बहुत ही इजी सा हम यहाँ पे वेजी बर्गर बनाएंगे। आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मैं हूँ सुधा, आपका स्वागत है मेरे किचन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार रेसिपी को। वेजी बर्गर बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक पैन रख देना है। पैन को हम गर्म होने देंगे। इसमें हमें डाल देना है कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पर हम एक छोटे चम्मच के करीब में कुकिंग ऑयल डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से पैन में फैला लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें बारीक कटा हुआ बीन्स, गाजर और कुछ हरी मिर्ची ले लेनी है। तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। आपको जितना तीखा पसंद हो आप उसमें मिर्च डाल दें। यहाँ पर बीन्स और गाजर को पहले हमें डाल देना है और हरी मिर्चों को, और इन्हें पहले हल्का सा मिक्स कर लेंगे। इन्हें हमें हल्का सा पहले पका लेना है। तो इस तरह से मिक्स करते हुए इन्हें हम पकने देंगे। अभी हम यहाँ पर ढक्कन को लगा देंगे और ढक्कन लगा के इसे कुछ टाइम के लिए इसी तरह से हम पकने देंगे। तो यहाँ पर हम, चलिए ढक्कन को लगा देते हैं। तो बीच बीच में चलाते हुए हम इसे ढक्कन लगा देंगे और यहाँ पे थोड़ी देर बाद फिर से हमें ढक्कन को हटा लेना है और फिर से हम वेजीज़ को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे जो वेजीज़ है ना, ये थोड़ा टाइम के लिए पक गई हैं। अभी हम इसमें डाल देंगे इस तरह से बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और प्याज। शिमला मिर्च और प्याज डाल के इसे एक बार फिर से वेजीज़ में पूरी अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है। यहाँ पर आप वेजिटेबल्स आप अपनी पसंद की कुछ भी ले सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो। मैंने यहाँ पर बीन्स, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल की हूँ। इसके बाद से हमें इसमें डाल देना है ब्लैक पेपर पाउडर, यानी कि काली मिर्च का पाउडर। साथ ही में हम इसमें नमक डाल देना है। तो नमक आप इसमें ज़्यादा ना डालें क्योंकि इसके बाद हम इसमें कुछ सॉसेस डालेंगे, इसलिए इसमें हमें नमक की क्वांटिटी एकदम कम रखनी है। तो थोड़ी सी नमक और काली मिर्च डाल के इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद से यहाँ पे इसे हम फिर से एक बार और ढक देंगे ताकि वेजेस थोड़ी और कुक हो जाएं। तो यहाँ पे आप गैस के फ्लेम को लो ही रख के, लो फ्लेम पे बस हमें इन वेजेस को पका लेना है। ध्यान रहे कि इनका जो कलर है ये बना रहे। इसके बाद इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे जो वेजेस है ना, ये कुक हो चुकी हैं। तो वेजेस जैसे ही कुक हो जाएंगी, इसके बाद से आप इसके अंदर सॉसेस डाल दें। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा सोया सॉस डाल देना है। तो इसके अंदर हम थोड़ी सी सोया सॉस डाल दे रहे हैं। इसके बाद से हमें इसमें डाल देना है टोमेटो केचप। तो इसमें हम थोड़ा सा केचप भी डाल देंगे और सोया सॉस और केचप, और कुछ भी नहीं डालना है, बस ये दो सॉसेस डालने हैं इसमें, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करते हुए सॉस के साथ ही हम ये जो हमारा स्टफिंग है ना बर्गर का, इसे थोड़ा पका लेंगे। तो इस तरह से मिक्स करते हुए थोड़ी देर टाइम के लिए इसे पका लेते हैं। एक बार मिक्स कर लेते हैं, फिर छोड़ देंगे, फिर से इसे एक बार और मिक्स कर लेंगे। तो हम इन्हें एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। ये देखिए इस तरह से रहने देते हैं। थोड़े टाइम बाद फिर से इसे एक बार और मिक्स कर लेंगे। तो इन्हें हम फिर से मिक्स कर लिए, ये देखिए। और यहाँ पे ये जो हमारी वेजी का जो स्टफिंग है ना, ये रेडी हो चुका है। तो बर्गर का यहाँ पे स्टफिंग ये देखिए बनके तैयार है, बहुत ही झटपट बन जाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद हमें सेम इसी पैन में थोड़ी सी और कुकिंग ऑयल डाल देनी है। तो इसमें हम थोड़ी सी कुकिंग ऑयल या फिर आप बटर कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हमें, मैंने ये छोटा वाला बर्गर का यूज़ में कर रही हूँ, आप कोई भी बर्गर का यूज़ कर ले, कोई भी पाव का यूज़ कर ले। यहाँ पे हम इसे बीच से थोड़ा कट कर लिए हैं और इसे हम दोनों साइड से अच्छी तरह से टोस्ट कर लेंगे। तो इसे हमें दोनों साइड से ही ना अच्छी तरह से टोस्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर कुकिंग ऑयल के साथ इसे टोस्ट कर रही हूँ, आप इसे बटर के साथ या फिर कुकिंग ऑयल के साथ, आपको जो भी पसंद हो आप उसके साथ इसे टोस्ट कर लें। तो इसे हम दोनों साइड से पलट के अच्छी तरह से इसे हम पहले टोस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से प्रेस करते हुए ये देखिए इन्हें हम बहुत ही अच्छी तरह से टोस्ट कर लिए हैं। तो इन्हें टोस्ट करने के बाद से अभी हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो इसे, चलिए ये टोस्ट हो चुका है, इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो इन्हें हम निकाल लिए हैं। इसके बाद हमें क्या करना है ना, इसके ऊपर इस तरह से केचप लगा लेना है। आप चाहे तो एक साइड में हरी चटनी लगा ले, एक साइड में लाल वाली चटनी लगा ले, केचप लगा ले। तो मैं यहाँ पे सिर्फ केचप का यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे हमने जो वेजीज का जो स्टफिंग बना के रेडी किए थे ना, वो स्टफिंग हमें इसके ऊपर रख देना है। आप सुबह के नाश्ते में इसे ज़रूर बनाएं, बहुत ही जल्दी बनती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। इसमें ज़्यादा झंझट की भी ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही झटपट बन जाती है, आप खुद ही देख पा रहे हैं। तो ये हमारा सुपर टेस्टी और बहुत ही सिंपल सा वेजी बर्गर बनके तैयार है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।